सत श्री अकाल, मैं हूं जसप्रीत, आपका होस्ट एंड दोस्त। और आज हम बनाने जा रहे हैं एग सैंडविच। बहुत ही इजी रेसिपी है। अगर आपको स्नैक्स के टाइम पे खाने का मन करे स्नैक्स के टाइम पे, ब्रेकफास्ट में खाने का मन करे ब्रेकफास्ट में, एनी टाइम रेसिपी, जब मर्जी खाओ। बनाते हैं इंट्रो के बाद। पहले मैं सोच रहा था एग्स बॉईल करके रख लेता हूँ एंड फिर आपको झटपट सी रेसिपी दिखा दूँगा, बट मुझे व्यूअर्स की, आप सब की रिक्वेस्ट आती है कि एग्स बॉईल करना भी सिखाओ। कभी कभी एग्स अंडर बॉयल्ड रहते हैं या ओवर बॉयल हो जाते हैं, तो सारी चीज़ें दिखाएंगे। आज आपकी सारी शिकायतें आज हटाते हैं, आज हो शुरू करते हैं। तो मैंने पानी रख रखा है बॉयल होने के लिए, ये बॉयल आ गया है इसको, और पानी में जाएगा नमक सीजन करने के लिए इसको, नमक के साथ ही विनेगर। अभी मेरी टीम ने मुझसे पूछा अंडे बॉईल करने में विनेगर क्यों, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले अंडे डाल लेते हैं, अंडे बॉइलिंग वाटर में डालने हैं, ठंडे पानी में कभी नहीं डालने। कुछ लोग बताते हैं कि ठंडे पानी में डाल लो, बट नहीं, बॉइलिंग वाटर में। और अंडे हमेशा चमचे से डालना, क्योंकि ऐसे अंडे जाएंगे नीचे टकराएंगे और फूट जाएंगे। चमचे से सेफली लैंड करा देने इनको। अब क्या होता है विनेगर डालने का क्या सीन है? द थिंग इज कि जो आपका एग वाइट है एल्बुमिन, दैट इज टोटली प्रोटीन। तो प्रोटीन की प्रॉपर्टी होती है हीट में, मॉइस्ट हीट में दैट कॉगुलेट्स। तो जब कॉगुलेट होगा ना, वो अपना शेल छोड़ेगा, एंड जब शेल छोड़ेगा तो उसका स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए विनेगर हेल्प भी करेगा उसको जल्दी कॉगुलेट होने में, तो जल्दी पकेगा। विनेगर डाल दिया, अब हार्ड बॉइल्ड एग चाहिए हमें। मैं आपको एक हाफ बॉइल्ड एग, मतलब वो जो सॉफ्ट सेंटर एग होता है, वो भी दिखा दूंगा। सॉफ्ट सेंटर एग के लिए 6 मिनट एंड हार्ड बॉइल्ड एग के लिए लगभग 10 से 12 मिनट इसको छोड़ देते हैं, तब तक दूसरा काम करते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या करना है। मैंने यहाँ पे कैरेट्स चॉप कर रखी हैं एंड कैप्सिकम भी चॉप कर रखा है, जस्ट टू गिव दैट कलर इन आर सैंडविचेस। मेरे पास मेयोनीज है, वाइट ब्रेड है, आप चाहें मल्टीग्रेन ब्रेड ले सकते हैं, ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं। जब तक हमारे अंडे बॉयल हो रहे हैं, मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, साथ में एक आइस बाथ, आइस वाटर बना लेना। अब इसका भी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। जब भी अंडा कुक होता है ना, उसका जो योक होता है उसके आसपास ना, जब हार्ड बॉयल होता है उसके आसपास ना एक ग्रेश कवरिंग सी आ जाती है, ग्रेश परत आ जाती है। वो ग्रेश परत एक्चुअली पॉइजनस होती है, मतलब इतनी ज़्यादा पॉइजनस होती है, इट इज़ नॉट एडविजेबल टू हैव इट। और वो रिएक्शन से होती है, हमारे जो योग के अंदर रिएक्शन होता है जब ज़्यादा ओवर बॉयल हो जाता है। तो उसकी कुकिंग रोकने के लिए आइस बाथ, और इसमें 2-3 मिनट रखने के बाद आप निकाल सकते हैं। तो 6 मिनट हो गए, 6 मिनट के बाद एक एग हम निकाल लेंगे सॉफ्ट बॉयल वाला, ये इनटू द आइस बाथ। इसको कम से कम 10 मिनट रखेंगे ताकि इसकी कुकिंग रुक जाए। 12 मिनट वाला टाइमर हमारा बच गया। हार्ड बॉयल एग्स भी निकाल लेते हैं, गैस कर देते हैं बंद। जब तक हमारे अंडे ठंडे होंगे, इनको शॉक ट्रीटमेंट लगेगा, तब तक हम स्टफिंग बनाते हैं। स्टफिंग के लिए एक बाउल ले लेंगे, बाउल में मेयोनीज के बाद कैरेट्स एंड कैप्सिकम, थोड़ा सा लाल मिर्ची फॉर दी स्पाइस, सॉल्ट एंड पेपर, इसको एक मिक्स। अगर आपको बाइट नहीं चाहिए कैरेट्स की तो आप इसको ग्रेट भी कर सकते हैं, एंड सेकेंडली इसमें आप कोई भी सब्जी डाल सकते हैं जो आपका मन करे। एक अंडा छील लिया, दूसरे अंडे भी छील लेंगे हम, और उसके बाद हम इसको ग्रेट करेंगे हमारे मेयोनीज वाले मिक्सचर में। मिक्स हमारा तैयार है, ब्रेड्स हमने मार्केट से खरीद लिए थे, इन पे लगाते हैं अपना मिक्स। बहुत ही इजी है, इसमें कुछ असेंबल करने की ज़रूरत नहीं है, मेयोनीज इसमें है और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। सीधा उठाइए अ डॉलप ऑफ द मिक्सचर एंड फैला दीजिए। तो सैंडविचेस आर डन। अगर आप चाहें ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, ऐसे ही दे सकते हैं। टिफ़िन में मत देना यार, एग की कोई भी चीज़ ना अपने बच्चों को टिफ़िन में मत देना,
क्योंकि एग कभी भी, अगर जैसे कोक्ड एग है, उसको एक घंटे बाद नहीं खाना चाहिए। तो अगर आपके बच्चे ने कोई भी चीज़ एक घंटे में कंज्यूम कर लेनी है, अगर टिफ़िन बस में जाते जाते ही कंज्यूम कर लेना है, तो आप दे दीजिए, वरना एग कभी भी टिफ़िन में नहीं। तो अब ग्रिल करने के लिए हम लगाएंगे मेयोनीज। अब आप बोलेंगे कि यार ग्रिल के लिए मेयोनीज, वैसे तो बटर लगाते हैं, इसमें भी फैट है, वो बहुत ही प्यारा सा ब्राउनिश टच देगा। अब एक साइड पे मेयोनीज लगा के हॉट पैन में रख देंगे, उसके बाद पैन के अंदर ही दूसरी साइड पे मेयोनीज लगा देंगे। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी, है ना अमेजिंग? हो भी क्यों ना यार, सबसे बेस्ट चीज वर्ल्ड में जो है दैट इज एग। और अंडे के फंडे समझते हुए हमने बनाए हैं एग सैंडविच, एग मेयो सैंडविच। किड्स वुड लव इट। इसके अंदर कलर्स हैं, इसके अंदर पौष्टिकता है, और क्या चाहिए आपको? अब ट्राई कीजिए, फोटो फेसबुक पेज पे, देन लाइक सब्सक्राइब, वाटरमार्क पे क्लिक करके हो जाएगा सब्सक्राइब, एंड देन शेयर, कमेंट जरूर करना कैसा लगा, एंड थैंक यू, सत श्री अकाल एंड हैप्पी कुकिंग।